खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है। इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए गए हैं। इस हिंसा को देखते हुए डीएम ने औपचारिक जानकारी दी है, बताया है कि हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। थाने को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस जो है वो साजिश के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी से ये मामला है, जहां पर हिंसा के बाद कई इलाके जो हैं प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो है वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो 2 बॉडीज है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिसेस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का। देखिए, हल्द्वानी में हिंसा की ये तस्वीर और दूसरी तरफ उत्तराखंड में जो अलर्ट जारी किया गया है, हिंसा को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंसा को लेकर डीएम ने भी औपचारिक जानकारी दे दी है और अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि जो है इस मामले में हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हिंसा में थाने को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की तरफ से भी कहा गया है। तो वहीं हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट। हिंसा की ये तस्वीरें, हल्द्वानी में जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, अब ये 5 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस आगजनी में ट्रक को जला दिया गया, उपद्रवियों ने बाइकें फूकी, तबाही ही तबाही हर और जो है हल्द्वानी में नजर आई। ट्रक, बाइक, गाड़ियां जलाई गई हैं। दहशत का माहौल हल्द्वानी में जो है वो नजर आया है इस आगजनी के बाद। और जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं उनको छोड़ा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी बसंत मेरे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, हल्द्वानी में जो हिंसा उठी, सबने देखी उस हिंसा की आग, कितनी भयंकर तस्वीरें थी, वो दर्दनाक तस्वीरें थी जो सामने आई हैं। अभी किस तरह से इस मामले पर एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरह से बताया गया है कि पूरे उत्तराखंड में इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा गांव का ये पूरा मामला है। बनभूलपुरा इलाका ये है, इसमें कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से बने मदरसे को लेकर जो ये कार्रवाई की गई है, इसके बाद से जो स्थानीय वासी हैं उनमें एक तरीके का रोष बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, आगजनी को अंजाम दिया। तस्वीर भी हम लगातार
दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आगजनी को अंजाम दिया गया। बाइक तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद 4 बटालियन जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है इस एरिया में ताकि कोई भी जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और सब अंडर कंट्रोल रह सके। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन जो है वो स्थानीय लोगों को दिया गया है जिनका कोई दोष नहीं है कि सख्त कार्रवाई होगी। जो भी होटंगबाज या उपद्रवी है अगर वो कैच किया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है सृष्टि, अभी आपने भी जैसे कि दर्शकों को बताया, और 70 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिसमें जो प्रशासन के लोग भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं और उपद्रवी भी हैं जो कि घायल हैं। ऐसे में आम लोग भी इसमें शामिल हैं। बनभोलपुर इलाके का पूरा ये वाकया है सृष्टि, जहाँ की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। उसके बाद नैनीताल की जो डीएम है वंदना, वो भी ये कह चुकी है कि सख्त कार्रवाई होगी, आरोपियों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अब ऐसे में पूरे तरीके से इस समय अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट दे दिया गया है, क्योंकि इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं सृष्टि तो पता नहीं लगता कि कब जो है एक चिंगारी एक आग का रूप ले ले और कहां कहां तक फैल जाए, उसके लपटे कहां कहां तक उठे। इसे लेकर प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है। अब एक तरीके से कहा जाए तो कर्फ्यू जैसे हालात हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मार्च किया जा रहा है सेना के जवानों की तरफ से। आपको बता दें कि 4 बटालियन जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो तैनात कर दी गई ताकि अंडर कंट्रोल रहे, कोई भी जो सुरक्षा के मानक हैं वो टूटे ना, सारी जो सुरक्षा के पैरामीटर्स हैं सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं वो प्रशासन की तरफ से पुख्ता कर दिए गए हैं, क्योंकि इस समय एक तनाव का माहौल भी साफ तौर पर हल्द्वानी में देखा जा सकता है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरे तरीके से अलर्ट है। बसंत, कुछ आरोपियों या उपद्रवियों की पहचान अभी तक हो पाई है क्या? सृष्टि देखिए, अभी फिलहाल प्राथमिकता के साथ प्रशासन का ये प्रयास है कि इलाके में तनाव को कम किया जाए, आम लोगों को एक सुरक्षा का एहसास हो, क्योंकि अभी फिलहाल तनाव बहुत ज्यादा की तस्वीरें हैं जब आगजनी हुई। ऐसे में सबसे प्राथमिकता के साथ प्रशासन का ये रोल है कि सबसे पहले लोगों को एक सुरक्षा का एहसास हो, उसके बाद जिस तरह से स्थिति अंडर कंट्रोल होती है उसके बाद जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी तलाशी ली जाएगी, तलाशी मतलब उन्हें खंगाला जाएगा। ऐसे में आरोपियों की जब पहचान होगी तो सख्त कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं, नैनीताल की डीएम है वंदना वो भी ये बात कह चुकी है, जिस भी आरोपी की पहचान होगी या फिर जो भी आरोपी डिटेन किया जाएगा इस कार्रवाई के दौरान, उपद्रव के दौरान सख्त से सख्त कार्रवाई उनकी की जाएगी, प्रॉपर्टी उनकी सील की जाएगी। ये बात भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कही गई है, लेकिन प्राथमिकता के साथ अभी प्रशासन का पहला काम यह है कि जो लोग वहां पर रहते हैं जहां पर यह आगजनी हुई है सबसे पहले उन्हें एक सुरक्षा का एहसास दिलाया जा सके, सभी सुरक्षा पैरामीटर्स जो हैं उन्हें पुख्ता करने को लेकर प्रशासन अपनी तरफ से पूरे तरीके से मुस्तैद है। ठीक है, ठीक है बसंत। और इस बीच दर्शकों को यह भी जानकारी दे दे कि देखिए सुरक्षा कारणों को देखते हुए एक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं उनको भी आज यानी कि शुक्रवार तक के लिए बंद रखा गया है। और इस बीच हम बसंत जैसे कि देख रहे हैं पुलिस फोर्स तैनात है, आपने भी जानकारी दी, पैरामिलिट्री फोर्स भी जो है वो बुलाई गई है। फिलहाल हालातों पर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। शुक्रिया बसंत आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए उपद्रवियों को चिन्हित किया जाएगा, पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है और जल्द से जल्द कोशिश होगी कि जो भी उपद्रवी इसमें शामिल थे जिन्होंने इस तरह की हिंसा भड़काई आगजनी की है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो हल्द्वानी का यह मामला है, जब हल्द्वानी में बवाल के बाद अब कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है, इसके साथ ही उत्तराखंड में भी अलर्ट जो है जारी किया गया है ताकि हालात फिर से खराब ना हों।